ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ खास तौर पर अपना पक्ष रखा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब दे विच फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। मैंने स्ट्रॉन्गली अपोज करते हुए बताया है कि किस तरह से हमें अपीएशन है कि इनका फेक एनकाउंटर हो सकता है और इनकी जान को खतरा है, तो एडवोकेट जनरल साहब ने बोला कि आप इस अपीएशन को दूर कर सकते हैं। जनाब जैसा कि साहब ने उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी 2 बिल्कुल गाड़ियां लेके आए हैं, 20 ऊपर गाड़ियां रहेंगी, 50 ऊपर ऑफिसर हमारे पास है और पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 50 ऑफिसर की लिस्ट दी जाएगी, गाड़ियों के नंबर तक दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे इनको अरेस्टिंग करना है लॉरेंस बिश्नोई को और हमें यहाँ से इनका ट्रांजिट रिमांड चाहिए। इस बात की इन्होंने परीक्षा लगाई है जिसको हमने स्ट्रॉन्गली अपोज किया और उन्होंने बताया कि पहले ही इसका नाम नॉमिनेट नहीं था। जो हमने लेटेस्ट में अरेस्टिंग की है इस केस के अंदर में, वहाँ के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इन्वेस्टिगेशन में निकल गया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वही मेन मास्टर माइंड है इस केस के पीछे और उसी ने सब कुछ किया। हमने इसको स्ट्रॉन्गली अपोज किया और इस एप्लीकेशन के अंदर ऊपर कम से कम 1 घंटा बहस चली है। एडवोकेट जनरल साहब उनकी पूरी टीम आई है। मैंने स्ट्रॉन्गली अपोज करते हुए बताया है कि किस तरह से हमें अपीएशन है कि इनका फेक अकाउंट हो सकता है और इनकी जान को खतरा है। दूसरे पास पंजाब पुलिस की टीम वालों एडवोकेट जनरल वालों भी अपना पक्ष रखा जाता है कि साढ़े को 20 तो वध जड़ियां हैगियां गड्डियां का काफिला होगा तो उस दे विच 2 बुलेट प्रूफ गड्डियां भी होणगियां, 50 तो वध ऑफिसर साढ़े कोल है। असी गड्डियां दे नंबर पंजाब पुलिस की सारी जड़ी हैगी जानकारी भी कोर्ट नूं देवांगे ते असी पूरा ध्यान रखांगे सुरक्षा का। तो अजिहे हवाले जो एडवोकेट जनरल पंजाब वालों भी दिते जांदे आ रिमांड लैण की कोशिश की जाती है। पंजाब पुलिस की टीम पहुँचती है पटियाला हाउस कोर्ट के दिल्ली के विच ते उस समय लॉरेंस बिश्नोई भी कोर्ट के मौजूद रहने की गल जी हैगी सामने आती है ते पंजाब पुलिस पूरा यत्न कर रही है कि रिमांड उन्होंने मिल जाए। सो पर कोर्ट वालों अजे फैसला 1 घंटे की बहस के मगरों राखवा रख लिया जाता है। सो जल्द ही फैसला आ सकता इस मामले दे विच के की कोर्ट पंजाब पुलिस नू रिमांड देगी सौंपया जा सकता है लॉरेंस बिश्नोई नू पंजाब पुलिस नू, जां फिर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गल मानदिया होया कि सानू खतरा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर किया जा सकता है पंजाब दे विच। सो वो अपील नू मानदिया होया लॉरेंस बिश्नोई नू नहीं भेजा जाएगा पंजाब पुलिस दे नाल पंजाब वल। सो देखना होगा कि हुण फैसला की आउंदा, फैसला फिलहाल राखवा रखिया गया पर एक वड्डी टीम लैके 2 बुलेट प्रूफ गड्डिया लैके वड्डा गड्डिया का काफिला लैके पंजाब ऑफिसर जिहड़े हैगे ने पंजाब पुलिस दे नाल लैके पंजाब पुलिस दे एडवोकेट जनरल दे नाल पूरी वड्डी टीम जिहड़ी हैगी है वह इस समय पटियाला कोर्ट हाउस दे विच गई हुई है ते वड्डे प्रबंध करके लैके गई है। अपना पक्ष भी रखिया गया, अपील भी पाई गई है ते पंजाब पुलिस इस मंशा दे नाल गई है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह कोर्ट वालों लॉरेंस बिश्नोई का जो रिमांड है ट्रांजिट रिमांड है वह मिल सके। पर दूजे पासे विरोधी पक्ष धिर दे जिहड़े वकील हैगे ने उन्हां वल्लों भी अपने पक्ष रखे गए पर फैसला कोर्ट वजो वल्लों अजे राखवा रखिया गया है। की फैसला आउंदा इस दे उत्ते सब दीआं नज़रां बणीआं होईआं ने। जल्द ही फैसला आउण दी उम्मीद जताई गई है कि कोर्ट वल्लों राखवा रखिया फैसला कोर्ट जल्द ही सुनाउण जा रही है। सो देखना होवेगा कि पंजाब पुलिस जिहड़ी कि वड्डी टीम लैके कोर्ट दे विच जांदी है रिमांड लैण दे लई कि वह लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब लिया सकणगे जां फिर इस वड्डी टीम नूं खाली हाथ ही वापस पंजाब परतना पवेगा।